मोबाइल सेपरेटर मशीन, इसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए इसमें आप देख सकते हैं एक बटन है सेट, ये पावर ऑन बटन, ये डिग्री सेंटीग्रेड इस पे लिखा हुआ है, ये कम या ज़्यादा करने के लिए स्विच है। तो अगर हम टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेट पे क्लिक पुश करेंगे और इसके कम या ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं। जब भी हमको इस मशीन पे काम करना होता है हम इसके टेम्परेचर को पहले ही सेट कर लेते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर उससे ज़्यादा ना हो। मोबाइल का टच डिस्प्ले से निकालने के लिए हम 100 से 110 के बीच में टेम्परेचर सेट करते हैं, ठंडक के सीज़न में हम 120 तक सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने से ये बेनिफिट है कि ये टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ये है स्विच, हमारा सक्शन स्विच, इसको पुश करने से हमारा वैक्यूम चालू हो जाता है और यहाँ पे ये वैक्यूम पकड़ लेता है और इसके ऊपर एक ये होता है रबड़ का, इसकी मदद से कोई भी मोबाइल इसके ऊपर रखने के बाद जब हम सेक्शन स्विच को दबाते हैं तो आसानी से इसको पकड़ लेता है और जिससे छूटता नहीं है, ताकि हम जब टच को काटते हैं तो वो प्रॉपर इस पे सेट रहे, हिले डुले ना, क्योंकि हिलने से डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। और ये इसकी साइड में रॉड दो दिए गए हैं, जब हम टच को काटते हैं तो इसी बात का ध्यान देते हैं कि जो हमारा वायर होता है उसका प्रेशर हमेशा इसी पे रहे, इसी के नीचे की तरफ पुश करता रहे, इन दोनों पे, यही ध्यान देने वाली बात है। केवल इतना सा ही हम इस पे ध्यान देंगे तो हमारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी टच को आसानी से काट सकते हैं।